हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और वैसा ही वैसा प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में गणित के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सम पूर्णांक का एक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन एक सम पूर्णांक का रूप है। तो आपको क्या करना है कि m के जगह पे एक रख के आपको चेक करना है और जिस पे सम संख्या आएगा वो सम पूर्णांक का एक रूप होगा। तो सबसे पहले हम a वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 m के जगह पे आपको कितना रख देना है, एक रख देना है। और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 ही रहेगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे 2m+1 क्या होगा, विषम पूर्णांक का एक रूप होगा। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 और m के जगह पे आपको कितना रख देना है, एक रख देना है। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा और 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 कौन सी संख्या है, तो 1 विषम संख्या है। तो यहाँ पे 2m-1 भी क्या होगा, विषम पूर्णांक का एक रूप होगा। अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। 2 है तो 2, m के जगह पे आपको कितना रखना है, एक रखना है। और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे लिख देंगे +2। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 ही रहेगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 कौन सी संख्या है, तो 4 सम संख्या है। तो यहाँ पे 2m+2 क्या होगा, सम पूर्णांक का एक रूप होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि 9 के पावर 0 × y के पावर 0 × 2 के पावर 2 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 9 के पावर 0 × y के पावर 0 × 2 के पावर 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 5 का पावर 0 कर देंगे तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 1 होगा। अगर हम 100 का पावर यहाँ पे 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 1 का पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। अगर हम x का पावर भी 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 के पावर 0 है तो 9 के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। गुणा है तो यहाँ पे हम गुणा दे देंगे। y के पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसे गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1 और 1 में 4 से गुणा होगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि 35 और 90 का मौसक ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 35 और 90 का मौसक ज्ञात करना है। तो आपको मौसा यहाँ पे ऑप्शन से सिखाते हैं कि मौसा ऑप्शन से कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला ऑप्शन लेना है और इन दोनों को कटाना है। अगर कट जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा सा कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है 20।
तो यहां पे देखिए 20 से इन दोनों को कटाइए, कट रहा है नहीं कट रहा है तो ये इसका मौसम नहीं होगा। उसके बाद 15 से चेक करेंगे तो 15 से 35 और 90, यहां पे देखिए 90 तो कट जाएगा लेकिन 35 नहीं कटेगा। 15 से यहां पे दोनों कटना चाहिए तो 90 कट रहा है 35 नहीं कट रहा है तो 15 भी इसका मौसम नहीं होगा। उसके बाद यहां पे 10 ले लीजिए, 10 से 35 नहीं कटेगा तो ये भी इसका मौसम नहीं होगा। 5 से देखिए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पे भाग विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। 0 में से घटेगा 0 तो 0 बचेगा, 9 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे हम 35 उतारेंगे, अब यहाँ पे देखिए 20 से कम 20, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक 15, फिर यहाँ पे देखिए 20 उतारेंगे तो 15 एकम यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया, 5 एक एक कट गया। अब यहाँ पे देखिए 15 उतारेंगे तो 5 तीन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसा कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो ऐसे निकालिएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन से निकालिएगा तो चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो अगर किसी संख्या में पाई और रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे है रूट तीन और रूट तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब रूट तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे रूट तीन क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, बी वाला ऑप्शन है 6+√7। अब यहाँ पे देखिए रूट सात का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 7-√2 है और यहाँ पे रूट दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन में क्या होगा कि यहाँ पे रूट तीन से रूट तीन क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा। और दो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि 5y² - 14y+8 के मूलों का योग ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस बहुपद का आपको मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, α+β = -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो a और b का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो y स्क्वायर में गुणा करता है उसे a कहते हैं। तो y स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है। तो a का मान कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। और जो केवल y में गुणा करता है उसे b कहते हैं। और y में क्या गुणा कर रहा है, तो -14 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे क्या होगा, -14 होगा। और c का मान यहाँ पे कितना है, 8 है। बस इसमें आपको रख देना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, तो -14 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -14। और a का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +14 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे हमारा मूलों का योग निकल गया 14/5। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि AP 5, 7, 9... का सातवां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस AP का आपको सातवां पद ज्ञात करना है।
तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस छ डी होता है। तो यहाँ पे अब आपको ए का मान रख देना है और यहाँ पे आपको डी का मान रख देना है। तो ए क्या होता है, तो ए एपी का प्रथम पद होता है और एपी का प्रथम पद कितना है, 5 है। यानी ए का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको डी का मान निकालना है, तो डी क्या होता है, सार्वान्तर होता है। और सार्वान्तर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और पहला पद कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ए का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। और डी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है, ए का मान 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, प्लस है तो +6। और डी का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 5 और 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 17 होगा। यानी सातवां पद हमारा कितना निकल गया, 17 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये होता है पहला चतुर्थांश, और ये होता है दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे होता है ये मूल बिंदु का मान, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, 2, और ये 3, और ये 4, और ये y अक्ष होता है, और ये x अक्ष होता है, और नीचे में माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4 यहाँ पे हम लिख देते हैं। और इधर होता है हमारा -1, -2, -3, -4, और इधर में होता है हमारा +1, यहाँ पे 2, 3, और यहाँ पे 4। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु का मान इसमें रख देना है। तो x का यहाँ पे मान कितना है, 4 है, +4, तो x का मान यहाँ पे 4 है। और y का मान कितना है, -3 है, तो y का मान माइनस यहाँ पे 3 है। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे d वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो टेन बी का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपको यहाँ पे टेन बी का मान ज्ञात करना है। तो टेन बी का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको b का मान रखना पड़ेगा, और b का मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो a इसमें जुड़ रहा है, तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। तो b का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री माइनस a निकल गया। बस यहाँ पे आपको रख देना है, tan है तो tan, और b के जगह पे आपको कितना रख देना है, 90 डिग्री माइनस a रख देना है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए टेन बी का मान कितना निकल गया, यहाँ पे कॉट ए निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि टेन 50 डिग्री बटा कोट 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको टेन 50 डिग्री बट्टा कोट 40 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो दोनों में से किसी एक को यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को बदलते हैं, यहाँ पे देखिए टेन है तो टेन, और यहाँ पे 50 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 50 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम 40 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। और बट्टा के नीचे आपको अब चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम कोट 40 डिग्री वैसे ही लिख देंगे। अब ऊपर में यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे कितना है, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री। और बट्टा के नीचे भी क्या है, यहाँ पे कॉट 40 डिग्री है, तो कॉट 40 डिग्री से कॉट 40 डिग्री एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान ज्ञात करें।
यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 4/5 दिया है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आधार बट्टा कर्ण होता है, और यहाँ पे देखिए आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो आपसे बोल रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे देखिए आधार तो 4 है पता है, लेकिन लंब नहीं है, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसी से निकलेगा। यहाँ पे कर्ण देखिए 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर है तो बराबर। अब आपको लंब निकालना है, तो लंब को वैसे ही छोड़ दीजिए, आधार कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और लंब स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको वैसे ही उतार दीजिए, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 को क्या करना है, आपको बराबर के इधर भेज देना है, तो 16 इधर जोड़ रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 16 बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे लंब स्क्वायर, और हमको सिर्फ लंब का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये रूट में आ जाएगा, तो √9 बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो लंब हमारा कितना निकल गया, 3 निकल गया, बस इसमें आपको रख देना है, तो ऊपर में है लंब, तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख दिए 4, तो हमारा टेन ए का मान कितना निकल गया, 3/4 निकल गया, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि साइन पाई बाई 3 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको साइन पाई बाई 3 का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको पाई का मान रखना पड़ेगा, तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो पाई के जगह पे हम 180 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन, और पाई के जगह पे हम 180 डिग्री रख देंगे, और बट्टा के नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि 2 sin² a बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 2 sin² a बराबर यहाँ पे 1 दिया है, तो इस a का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा sin² a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी बराबर के इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/2। अब यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसमें रूट रह जाएगा। अब यहाँ से आपको ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से साइन आपको हटाना पड़ेगा, अगर इधर भी साइन रहता तो यहाँ से साइन कट जाता, तो हमारा ए का मान निकल जाता, तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान, यहाँ पे 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री लिखेंगे, तो इधर साइन ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, और 1/√2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री निकल जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि 4 tan a बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 4 tan a बराबर यहाँ पे 4 दिया है,
तो यहां से आपको a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चार इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ हो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। और ये 4/4 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो टेन ए बराबर कितना निकल गया हमारा, एक निकल गया। अब यहाँ से हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से टेन को हटाना पड़ेगा। तो इधर भी एक टेन रहता तो टेन से टेन कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टेन कितने डिग्री का मान एक होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। तो एक के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन 45 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे देखिए टेन ए है तो टेन ए, और एक के जगह पे क्या लिखेंगे हम, टेन 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे टेन से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए बराबर कितना निकल गया हमारा, 45 डिग्री निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सभी वृत्त होते हैं, ए ऑप्शन है सर्वांग सम, बी ऑप्शन है समरूप, सी ऑप्शन है असमरूप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, और अगर परसेंटेज रहेगा तो 0% से लेके 100% तक रहेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस में किसी भी संख्या का यहाँ पे नहीं रहता है, घटना का प्रायिकता माइनस में। तो यहाँ पे देखिए किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो ये 1 है, ये किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है। और ये है 0.5, तो ये 0 और 1 के बीच में है। और यहाँ पे देखिए जो 2 है ये 1 से ज्यादा है, और किसी भी संख्या का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।